हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू। व्हाट इट सेज, the cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day is found to be 160 rupees. मतलब हम क्या ले लेते हैं, cost of 1 kg apple ले लेते हैं, okay? 1 kg apple कितने का ले लेते हैं, let x rupees, okay? And the cost of 1 kg grapes ले लेते हैं y rupees, okay? y rupees ले लिया। तो अब हम इसको अगर equation बनाएं तो क्या है, 2 kg apples मतलब x plus 1 kg grapes मतलब y equals to कितना 160 rupees। ये क्या बन गया हमारा equation 1। अब उसके बाद क्या है, 4 kg apples and 2 kg grapes equals to 300 rupees। ये हो गया हमारा equation 2। तो ये equation 2 हो गया, तो हम इसे points लेते हैं अब x y, ओके okay, यहाँ पे भी ले लेते हैं x और ये y, ओके okay, तो चलो देखते हैं अभी पॉइंट्स कैसे लेंगे हम। अगर मैं पॉइंट्स ले रही हूँ, x इक्वल्स टू लेती हूँ मैं, x ले लेती हूँ 60। x अगर मैं 60 ले लूँ तो ये कितना जाएगा 120, तो फट में जाएगा, ओके okay, ठीक है। x इक्वल्स टू ले लिया मैंने 60 फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। x 60 ले लिया तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा कितना 120 इधर चला जाएगा, तो y क्या मिल जाएगा मेरे को, 40 मिल जाएगा, क्लियर। अब क्या लूँ मैं, अब मैं लेती हूँ, ये तो हो गया, अब मैं ले लेती हूँ y इक्वल्स टू 60। y अगर मैं 60 ले लूँगी तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 50, तो ये मेरे को मिल जाएगा 50, इसके पॉइंट्स हो गए। अब अगर मैं लेती हूँ y इक्वल्स टू 10 तो ये कितना हो जाएगा 20, इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा 280 डिवाइड बाई 4, That is nothing but 70. तो y अगर मैंने 10 लिया तो क्या मिल गया मेरे को 70, और अगर मैं y को 0 कर दूं तो 300 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 4 7 28, 2 कैरी ओवर 4 5 20, तो कितना पॉइंट मिल गया मेरे को, 75 मिल गया। अब क्या करें, इसको जल्दी जल्दी से प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 60 and 40, तो ये 60 का लाइन और ये 40, यहाँ पे पॉइंट आ गया 60 and 40। नाउ 50 and 60, दिस इज 50 एंड दिस इज 60, दिस इज 50 and 60, ओके सो जॉइन द लाइंस। ओके काम जॉइन कर लेंगे हम लाइंस को, आगे देखते हैं दूसरे पॉइंट्स भी प्लॉट कर लेते हैं। 75 and 0, 70 इधर आएगा, 75 यहाँ पे, 70 इधर आएगा तो 75 इधर, 75 एंड 0, तो मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया 75 एंड 0, लिख सकते हैं हम इस पॉइंट को 75, 0, दिस इज 60, 40 एंड दिस इज 50, 60, ओके ये हो गया। अब एक और पॉइंट क्या बचा, 70 एंड 10, 70 इधर और 10 इधर, तो ये एक पॉइंट बन गया हमारे पास, ओके ये दो पॉइंट मिल गए, ये कौन सा पॉइंट है, 70, 10, ओके। नाउ वी प्लॉट द लाइंस ऑफ दैट इन दैट पॉइंट्स, तो ये वाला इक्वेशन कौन सा हमारा, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, और ये वाला इक्वेशन कौन सा हमारा, ये वाला इक्वेशन कौन सा हमारा, 2x प्लस y इक्वल्स टू 160, ओके दिस इज द अनदर इक्वेशन। तो अब ये दो इक्वेशन मिल गए। अब मैं इसका लाइंस अगर देखूँ तो ये कैसे जा रही है, पैरेलल ही जा रही है एक साथ, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई है। यहीं पे हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन 3 एंड चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई जरूर करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा। गाइज अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।